ये सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, उस सेलिब्रिटी की डेथ हो गई जिम करते हुए या जिम में, क्या वे प्रोटीन खाने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स ला फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि लखनऊ में आउटलेट ओपन हो चुका है और गूगल मैप पर लोकेशन भी आ चुकी है। जी हाँ, तो लखनऊ में अभी हमारा आउटलेट ओपन हो गया, गोमती नगर पत्रकार परम सहारा प्लाजा गेट नंबर 3 से आपको जाना है। तो गूगल मैप पर पूरी लोकेशन आ रही है। आज का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक आप कह सकते हैं। इसको लेकर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्पेशली आप देख रहे हैं कि भाई ये सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, उस सेलिब्रिटी की डेथ हो गई जिम करते हुए या जिम में, तो इस तरीके के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन आ रहा है कि क्या वे प्रोटीन खाने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि मेजरली जो है लोग यूज़ करते हैं वे प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट अपना मसल्स को रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। पर्टिकुलर आज मैं किसी प्रोटीन के बारे में बात नहीं करूँगा, बस मैंने यहाँ पर पॉपुलर वे प्रोटीन्स रख दिए हैं ताकि थोड़ा वीडियो में मज़ा सा आ जाए और जान बन जाए वीडियो में। तो हमारा टॉपिक मेन है कि क्या वे प्रोटीन खाने से हार्ट फेलियर हार्ट अटैक होता है? क्या ये सही है कि जिम में जो इतने केसेस आ रहे हैं कि ये वे प्रोटीन की वजह से हो रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि वे प्रोटीन होता क्या है, क्या काम करता है, लोग इसे क्यों ले रहे हैं। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि 90% जिम करने वाले, मैं एक बार को कह सकता हूँ कि नॉर्मल फिजिकल वर्कआउट करने वाले, चाहे वो ग्राउंड पे करें या फिर किसी स्पोर्ट्स में हैं, वो फिर भी वे प्रोटीन ना लें, पर जिम करने वाले 90% लोग आज वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। क्या है ये वे प्रोटीन? दोस्तों वे प्रोटीन, जिस भी प्रोटीन के आगे वे लग गया ना, समझ लो वो दूध से बना हुआ है। ये एक प्रोसेस फूड है जो कि दूध से प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो दोस्तों वहां पर आपने देखा होगा कि जब हम पनीर निकालते हैं, दूध फाड़ते हैं, तो येलो कलर का एक लिक्विड जो है बचता है पनीर निकलने के बाद, पनीर अलग होने के बाद, वही होता है वे प्रोटीन। मतलब घर में भी आप वे प्रोटीन को देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस लिक्विड को आप घर में पी लें या कंज्यूम कर लें अपना समझ के कि वे प्रोटीन, नहीं, वो आपको प्रॉब्लम करेगा, लूज मोशन ब्लॉटिंग वगैरह की परेशानी कर सकता है, क्योंकि वे प्रोटीन जो है पूरा प्रोसेस होता है इसका, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, पूरा इसमें जो है आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह जो भी इसमें मिलाया जाता है वो एक पूरा प्रोसेस होता है, बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह प्लांट होता है पूरा सेपरेट, तभी ये बनता है। तो समझ गए आप, मतलब वे प्रोटीन दूध से प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो दोस्तों जो चीज दूध से बनी हुई है, दूध से डायरेक्ट प्रोसेस करके बनाई जा रही है, क्या लगता है आपको क्या वो आपको नुकसान करेगी? क्या दूध मतलब ऐसा है कि भाई मतलब सिर्फ जिम करने वाले पीते हैं? दूध तो हर कोई पीता है और दूध तो सदियों से पिया जा रहा है, अब उसी दूध से प्रोसेस करके ये वे प्रोटीन बना दिया जाता है। अब एक सवाल और मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भैया जब ये दूध से बनाया जाता है तो हम दूध ही क्यों ना पी लें, इसे पीने का क्या फायदा है? हाँ, इसे पीने का फायदा ये है कि ये इजी है डाइजेशन में, बहुत इजी है, और इसमें प्योर प्रोटीन होता है। दूध के अंदर आपको फैट भी मिलेंगे, लैक्टोज भी मिलेंगे, सारी चीज मिलेंगी, पर इसके अंदर आपको प्योर प्रोटीन मिलेगा। फैट मिनिमम टू मिनिमम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिनिमम टू मिनिमम होते हैं, लैक्टोज इसमें से निकाल दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर है। और जैसे ही आपने पिया, दूध पचने में 1-1.5 घंटा लेता है, इसको आपने पिया, ये 15-20 मिनट में डाइजेस्ट होके फटाफट एमिनो एसिड्स में ब्रेक हो जाता है और आपको जो है मसल रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि भाई मसल को रिकवरी करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए हमको प्रोटीन चाहिए चाहिए। तो ये है इसका फायदा, ये एक इजी मील है। और प्लस में जैसा कि मैंने बताया कि भाई फैट वगैरह कार्ब्स वगैरह इसके अंदर आपको नहीं मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं, तो ये है इसका फायदा, और इसीलिए लोग इसे ले रहे हैं, और इसीलिए इसको जो है जिम करने के बाद जो है लिया जाता है पानी में, ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो समझ गए आप, तो वे प्रोटीन बिल्कुल नेचुरल चीज है, नेचुरल प्रोडक्ट जो कि है दूध, उससे प्रोसेस करके ये बनाया जाता है। तो दोस्तों इससे हार्ट फेलियर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, कंपल्शन है ये, हमारी बॉडी को जो है फैट चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए, ऐसे हमारी बॉडी को मसल्स की टूट फूट को रिपेयर करने के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, तो हमारी बॉडी के लिए बेसिक चीज है ये। इससे आपको हार्ट अटैक है, हार्ट फेल कैसे हो सकता है यार, ये इम्पॉसिबल है। और अभी तक तो कोई ऐसी रिसर्च आई नहीं है, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, कि वो ये प्रूव कर दे कि भाई वे प्रोटीन कंज्यूम करने से आपको हार्ट अटैक होगा, हार्ट फेल होगा,
ऐसा कभी नहीं होगा। और दोस्तों पर्सनली भी यार मैं भी काफ़ी टाइम से वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने तो आज तक ऐसा फील नहीं किया है, और ना ही मतलब जो है मैंने आज तक किसी अपने जानकारी में, किसी जानने वाले को, और अब तो हमारा सप्लीमेंट वाला परिवार भी इतना बड़ा हो गया है, किसी को मतलब हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर तो दूर की बात है, किसी को मतलब मैंने वे प्रोटीन से छोटे से भी छोटा साइड इफेक्ट या नुकसान होते नहीं देखा। हाँ किसी किसी भाई को वे प्रोटीन से ब्लॉटिंग या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, वो देखो हर किसी का डाइजेशन अलग होता है, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको वे प्रोटीन गैस्ट्रिक या जो है ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम करता है, वो एक नेचुरल चीज़ है, मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, पर वे प्रोटीन कंज्यूम करने से हार्ट अटैक हो गया या हार्ट फेल हो गया नहीं है ऐसा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आएगा कि भैया फिर क्या कारण है ये इतने हार्ट अटैक हार्ट फेल हो रहे हैं, क्या कारण है, वे प्रोटीन कारण नहीं है तो क्या है कारण इसका? दोस्तों इसका कारण है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, स्टीरॉयड्स। जो स्टीरॉयड जिम में आजकल इतने बड़े लेवल पे कंज्यूम किए जा रहे हैं, इतना बड़ा लेवल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ही बुरा हाल है। एक घड़ी जैसे अब मैं देखूँ भाई स्टीरॉयड्स का ट्रेंड, जैसे सप्लीमेंट्स लाके आउटलेट में विजिट भी करता रहता हूँ, जैसे मैं कानपुर जाता हूँ तो वहाँ पर भी है पर इतना नहीं है, जैसे मैं मथुरा जाता हूँ वहाँ है पर इतना नहीं है, अब जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली में हमारे आउटलेट्स हैं, आपका गाजियाबाद हो गया, जो दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर स्टीरॉयड्स का कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेट्रो सिटीज़ में अगर मैं स्पेशली कहूँ। जल्दी बॉडी बनानी है सबको, सबको जल्दी करना है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो रहे हैं, वरना ना तो जिम करने की वजह से, ना जिम के बाद वे प्रोटीन कंज्यूम करने की वजह से किसी को हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता यार, क्योंकि ये बेसिक नीड है। अब कोई ये कहने लगे कि भाई मेरा जो है ना ऑक्सीजन से मेरे लंग्स डैमेज हो गए, ऑक्सीजन से मेरे लंग्स कैसे डैमेज हो सकते हैं भाई, ऑक्सीजन के बिना तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो सेम प्रोटीन है यार, और नेचुरल सोर्स से बना हुआ, प्रोसेस किया हुआ है ये वे प्रोटीन, दूध पीते हो उसमें भी तो वे प्रोटीन है, बस जैसा कि मैंने बताया कि इजी हो गया है और कुछ नहीं है, तो प्रोटीन से हार्ट अटैक कैसे हो सकता है यार, इम्पॉसिबल है ये। जैसे ऑक्सीजन से आपके फेफड़े खराब नहीं हो सकते हैं, ऐसी वे प्रोटीन से आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, तो निश्चिंत होकर आप इसे यूज कीजिए। हां अगर आप सस्ते के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में फेक वे प्रोटीन लेंगे, क्योंकि फेक वे प्रोटीन की मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी है, अगर आप वो लेंगे, क्योंकि भाई देखो पैसा हर किसी के लिए मैटर करता है, और जहां आप देखते हैं लोकल मार्केट में भैया यहां तो 500 रुपये सस्ता मिल रहा है, 800 रुपये सस्ता मिल रहा है, आप खरीद लेते हैं और वो होता है नकली, फिर उसको कंज्यूम करते हैं भाई, उसकी वजह से तो हार्ट अटैक या कुछ भी हो सकता है, तो फेक सप्लीमेंट्स मत लो आप, ओरिजिनल लो। और ओरिजिनल कहाँ मिलेंगे आपको पता है, पूरे इंडिया को पता है, सबका एक ही विश्वास है, सिर्फ सप्लीमेंट्स विला। तो आप निश्चिंत होकर वे प्रोटीन कंज्यूम करो और अपनी हेल्थ को ठीक रखो, फिट रहो, जो भी आपका गोल है, मसल बिल्डिंग, लीनिंग, कटिंग, फैट लॉस, वेट लॉस, जो भी गोल है उसको पूरा करो, जिम जरूर जाओ, तो और दिमाग में से निकाल दो ना जिम जाने की वजह से और ना ही वे प्रोटीन की वजह से किसी को जो है कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, सेहत को फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं मिलेगा। तो ओरिजिनल वे प्रोटीन लो, मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको जो है साधारण भाषा में क्लियरली कह दिया है कि वे प्रोटीन टोटली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे यूज करो, बस ओरिजिनल जो कि मिलेगा सप्लीमेंट्स विला पर। कोई भी सप्लीमेंट्स आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर supplementsvilla.com विजिट करो, या फिर जहां पर supplementsvilla के आउटलेट्स हैं वहां पर विजिट करो, जैसे दिल्ली कालका जी जा सकते हो, दिल्ली रोहिणी जा सकते हो, गाजियाबाद जा सकते हो, आप जा सकते हो मेरठ, आप जा सकते हो अलीगढ़, आप जा सकते हो मथुरा, आप जा सकते हो आगरा, आप जा सकते हो कानपुर, आप जा सकते हो लखनऊ, आप जा सकते हो जयपुर, आप जा सकते हो गुरुग्राम, आप जा सकते हो पलवल, यहां पर आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं। जल्दी आउटलेट ओपन होंगे कहां, नोएडा, ग्वालियर, पंजाब, तो जल्दी मिलेंगे हम, तो जुड़े रहो, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, और हाँ अगर बजट नहीं है मत लो सप्लीमेंट, 1000-1200 रुपए का वे प्रोटीन ढूंढोगे तो नुकसान ही करेगा वो, क्योंकि वो घटिया है, नकली है और उसके साइड इफेक्ट्स भयंकर हैं, इसलिए 1000-1200 रुपए आपके पास हैं तो वे प्रोटीन मत ढूंढो, उससे जूस पी लो, दूध पी लो, चने खा लो, वो बढ़िया चीज है बजाय नकली लेने के। तो जुड़ो सप्लीमेंट सलाह से और विश्वास रखो वे प्रोटीन से कुछ नहीं होता, आपकी सेहत ही बनेगी, खराब नहीं होगी। नमस्कार।